आज मैं आप सबके साथ कुछ यूजफुल टिप्स शेयर करना चाहूंगी जो आपका डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स के तरफ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज का मेरा पहला टिप है बादामों को लेके। ड्राई फ्रूट में से सबसे पहले बादाम ख़राब हो जाता है, इसमें व्हाइट कलर का ये कीड़ा लग जाता है। इसको अगर फ्रिज में अगर स्टोर करके रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन चलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार होता है ना कि फ्रिज में स्पेस नहीं रहता है, जिस वजह से इसको हम बाहर ही रखते हैं। तो कुछ ऐसा टिप बताऊँगी जिससे कि आप बाहर भी बादाम को रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए शक्कर। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच शक्कर ऐड करी हूँ क्योंकि बादाम का क्वांटिटी कम है, तो इसीलिए शक्कर ऐड करके इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस इस तरीके से हम बाहर रखेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा बादाम हो तो आप शक्कर का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बाहर भी बादाम को रखेंगे तो काफ़ी दिन चलेगा, इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और मेरा अगला टिप है सॉक्स को लेके। अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि सॉक्स का पेयर गुम होने की वजह से सॉक्स एक ही बचता है, फिर वो यूज़ करने का लायक नहीं रहता है। तो इसके लिए एक टिप शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए आप क्या कीजिए, दोनों सॉक्स में से एक सॉक्स को इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए और दूसरी वाली जो सॉक्स है ना उसमें डाल दीजिए इस तरीके से। और उसको डालने के बाद ये वाली जो सॉक्स है ना इसको भी आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। सिमिलरली सभी सॉक्स को आप इस तरीके से फोल्ड करके रखिए ताकि सॉक्स का पेयर गुम ना हो और आपको इजीली मिल जाए। इस तरीके से सॉक्स को मैं फोल्ड करके एक बकेट में रख रही हूँ, तो देखिए कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है, स्पेस सेविंग भी हो रहा है और जब मुझे चाहिए होता है तो इजीली मुझे मिल भी जाता है ना, बहुत ही कमाल का टिप। आई होप ये टिप आप सबको बहुत ही पसंद आया है, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरा अगला टिप है चूड़ियों को लेके। चूड़ी पहनना हम लेडीज़ बहुत ही पसंद करते हैं, तो मार्केट से जब भी हम न्यू चूड़ी लेकर आते हैं तो किसी किसी चूड़ी में ना ग्लिटर रहता है, फिर उस चूड़ी को जब हम पहनते हैं तो ड्रेस में हाथ में पूरा ग्लिटर लग जाता है, जो बहुत ही इरिटेट लगता है, देखने में भी काफ़ी ख़राब लगता है। तो इसके लिए एक टिप शेयर कर रही हूँ, जब भी आप मार्केट से न्यू चूड़ी लेकर आएँ जिसमें ग्लिटर रहे तो उसको ना क्या कीजिए, हल्का गुनगुना पानी में इस तरीके से कुछ मिनटों के लिए डिप करके रखे, डुबो के रखे। उसके बाद आप चूड़ियों को निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसको ड्राई कर लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे चूड़ी का जितने भी एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो झड़ के निकल जाता है और जो ग्लिटर रहता है वो अच्छे से चूड़ी में फिक्स हो जाता है, जिस वजह से चूड़ी का ग्लेज, चूड़ी का जो चमक है वो सही रहता है। तो अगली बार जब भी आप चूड़ी खरीदें तो इस टिप को फॉलो ज़रूर करना। आई होप ये टिप भी आप सबको बहुत ही पसंद आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है सिलबट्टा को लेके, क्योंकि अभी भी बहुत से घरों में सिलबट्टा में मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा से बनाया हुआ मसाला से सब्जी बनता है, तो इसीलिए बहुत घरों में अभी भी सिलबट्टा देखने को मिलता है। तो मैं खुद रखी हूँ सिलबट्टा, क्योंकि सिलबट्टा से मैं खास करके चटनी वगैरह पीसती हूँ, मसाला भी पीसती हूँ, क्योंकि उसका स्वाद ना कुछ और होता है, बहुत टेस्टी बनता है सब्जी। तो हर घर में मुझे लगता है कि एक सिलबट्टा तो ज़रूर है, लेकिन अक्सर मसाला पीसते पीसते इसका धार कम हो जाता है। तो इसको कैसे तेज किया जाए, एक छोटा सा टिप मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मेडिसिन का खाली पैकेट, और मेडिसिन का जो खाली पैकेट है ना उसको इस तरीके से सीजर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे, क्योंकि मेडिसिन का पैकेट बहुत तेज होता है, इसलिए मैंने मेडिसिन के पैकेट को इस चीज़ में यूज़ में लिया है। तो देखिए सीजर से मैं मेडिसिन के पैकेट को जो काट रही हूँ ना, इससे मेरा सीजर भी तेज हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन का पैकेट बहुत ही हार्ड और बहुत ही तेज होता है। अब हम ले लेंगे नमक। तो ये मोटा दाना वाला नमक है जो बहुत ही तेज़ होता है, साथ ही साथ क्लीनिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है और ये बहुत सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए मैं स्पेशली क्लीनिंग हो गया, किसी चीज़ को तेज़ करना है इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, जिस वजह से इसको मैं मंगा के रखती हूँ। और बस दोनों चीज़ को मिक्स करके इस तरीके से जैसे हम मसाला पीसते हैं उस तरीके से पीस लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से पीसना होगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका सिलबट्टा तेज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत ही हार्ड है, जिस वजह से बहुत ही इजीली आपका सिलबट्टा तेज हो जाता है। तो मैं हफ्ते में एक बार इस तरीके से अपना सिलबट्टा को धार दिलाती हूँ, इसलिए मेरा सिलबट्टा में कभी धार कम नहीं होता है। और अभी मैं सिलबट्टा को टैप वाटर से धो लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलबट्टा में मेरा धार तो था, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं इस तरीके से सिलबट्टा को धार दिलाती हूँ, जिस वजह से मेरा सिलबट्टा का धार कभी कम नहीं होता है।
अगर आप भी सिलवट्टा का यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता चले। और इस टिप को फॉलो करके आप अपना सिलवट्टा का धार यानी कि सिलवट्टा को तेज कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मुझे कमेंट ज़रूर करना कि सिलवट्टा यूज़ करते हैं कि नहीं। और मेरा अगला टिप है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल को लेके। तो बहुत लोगों को ना सरसों का तेल पसंद नहीं होता है, क्योंकि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, ये बहुत ही तेज होता है, जिस वजह से बहुत लोग खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हेल्थ के लिए सरसों का तेल बेस्ट होता है, तो इसलिए एक छोटा सा टिप बताऊँगी जिससे कि इसका तेज और इसका फ्लेवर भी ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक टुकड़ा इमली, और इमली को नमक में इस तरीके से कोट कर लीजिए। उसके बाद नमक से कोटिंग किया हुआ जो इमली है उसको तेल में डाल दीजिए। जो भी तेल आप कढ़ाई में डाले हैं सब्जी बनाने के लिए या फ्राई करने के लिए, तेल को गर्म करने के साथ साथ इमली को भी थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा पका लीजिए। उसके बाद आप इमली को उठा के रख लीजिए, और जो भी सब्जी आप बनाना चाहते हैं आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ना जो मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर रहता है वो भी गायब हो जाता है। और आप देखे होंगे कि सरसों का तेल में एक झाग बनता है, वो भी नहीं बनेगा। और सरसों का तेल जो तेज होता है ना वो भी नहीं होगा, क्योंकि सरसों का तेल में अगर कुछ बनाओ तो कभी कभार ना आँख में आंसू आ जाता है, तो वो भी नहीं होगा। आई होप ये टिप भी आप सबको बहुत पसंद आया है। और मेरा अगला टिप है ब्लाउज़ को लेके, यानी कि ब्लाउज़ का जो बटन है ना उसको लेके। तो ब्लाउज़ को हम फोल्ड करके जब रखते हैं तो ब्लाउज़ का जो बटन है ना उसमें जंग आ जाता है। देखिए, इस तरीके का बटन में खास करके ज़्यादा करके जंग आता है, और वो जंग ना कपड़ा में लग जाता है, ब्लाउज़ में लग जाता है, फिर बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, आसानी से वो दाग मिटता भी नहीं है। तो इसके लिए एक टिप शेयर करना चाहूँगी जिससे कि बटन में जंग नहीं लगेगा, अगर जंग लगेगा भी तो जंग का दाग ब्लाउज़ में नहीं लगेगा। तो इसके लिए ले लीजिए एक पेपर, कोई सा भी पेपर आप ले सकते हैं, और पेपर को मैंने थोड़ा सा काट लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। और पेपर को देखिए इस तरीके से मैंने बटन के सामने रखा है, और इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। और बस इस तरीके से हम ब्लाउज़ को ना सिंपल जैसे फोल्ड करते हैं उस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि एक तो बटन में जंग नहीं लगेगा, बाई चांस अगर बटन में जंग लग भी जाए तो वो जंग का दाग पेपर में लगेगा, ब्लाउज़ में नहीं लगेगा। आई होप ये टिप आप सबको बहुत पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपका हाथ का बना हुआ चाय पी के सब खूब तारीफ करें? तो इसके लिए एक छोटा सा टिप शेयर करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। इसके लिए आप ना ले लीजिए हरी इलायची, और इलायची का जो दाना है ना स्पेशली मुझे वो वाला चाहिए, तो इसीलिए इलायची को मैं छील लूँगी। और इलायची का जो छिलका है ना इसको आप फेंके मत, क्योंकि ये भी बहुत ही काम आता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा फ्लेवर रह जाता है। तो इलायची को इस तरीके से छीलने के बाद जो इलायची का दाना है ना उसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। अभी इसको हम इस तरीके से ओखली में कूट लेंगे, क्योंकि ये दरदरा चाहिए, तो इसीलिए इसको इस तरीके से ओखली में कूट लीजिए। और कूटा हुआ जो इलायची का दाना है उसको ना आप चाय पत्ती में इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। जो भी चाय पत्ती आप घर में यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, उसमें इस तरीके से डाल के ना अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद जब आप चाय बनाएंगे तो चाय में बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा, और आपका चाय पी के सब बहुत ही तारीफ करेगा। आई होप ये टिप भी आप सबको बहुत ही पसंद आया है। और बस आज का वीडियो इतना तक। आई होप आप सबको ये टिप्स वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इनमें से कौन सा टिप्स आप सबको पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।